2023 में, यानी कि अगर आपको अभी अपने घर के लिए एक ब्रांड न्यू टेलीविजन परचेस करना है तो डेफिनेटली आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज आपको बताने वाले हैं कि 30,000 रुपीस के अंडर एक ऐसी टीवी एग्जिस्ट करती है ये वाली, जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग फीचर्स देती है। फीचर्स लाइक 550 निट्स की ब्राइटनेस, लाइक IPS का पैनल, लाइक प्रॉपर डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स स्मार्ट टीवी तो ये है ही, गूगल टीवी को सपोर्ट करती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है फ्लोरेंस जॉर्ज, आप देख रहे हैं N91 मोबाइल्स। चलिए वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो थॉमसन ने बेसिकली 2023 के अंदर चार अलग अलग टीवीज को लॉन्च किया हुआ है अंडर देयर ओपी मैक्स सीरीज, जहां पे आपके पास 43 इंच अवेलेबल है, 50 इंच अवेलेबल है, 55 इंच जो कि ये वाली अवेलेबल है, एंड देन 65 इंच की टीवी अवेलेबल है, जिसको हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। तो अभी शुरू करते हैं इसका रिव्यू, द 55 ओपी मैक्स GT9030। सबसे पहले बात करते हैं बाय हैविंग अ लुक कि व्हाट यू गेट इनसाइड द बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर आपको टेलीविजन मिल जाती है, इसके दो मेटालिक फीड मिल जाते हैं, आपको रिमोट मिल जाता है, रिमोट के अंदर के सेल मिल जाते हैं, फिर आपको इसका माउंटिंग मैकेनिज्म भी मिल जाता है, एंड देन बुकलेट वगैरह मिल जाती है, जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले, सीधे फोकस करते हैं ऑन द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। देखिए बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे थॉमसन ने डेफिनेटली हमारे इनपुट को लिया हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल की जो टेलीविजन है, यानी कि जो ओपी मैक्स सीरीज निकाली है इन्होंने, उस सीरीज के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है वो ड्रास्टिकली इन्होंने इंप्रूव की हुई है, बिकॉज पहले दिस टीवी यूज टू वॉबल लाइक एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इन्होंने यहाँ पे दी है वो बहुत ही बेटर है, और ऑफकोर्स आपको मेटालिक फीड मिल जाते हैं, तो काफ़ी स्टर्डी आपको ओवरऑल यू नो इसका स्टैंस मिल जाता है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो हल्के से पुश के बाद भी जो टेलीविजन है वो गिरती विरती नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करते हैं टेलीविजन के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही थिन बेजल्स आपको मिलते हैं, तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है 2023 के अंदर के आपको एकदम ही थिन बेजल्स मिलेंगे, तो वही आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पर भी। बॉटम में आपको जो है एक थोड़ी सी फैट बेजल मिलती है, जहाँ पे थॉमसन की ब्रांडिंग दी हुई है एकदम सेंटर में, और जो इसके नीचे की तरफ में आपको एक प्रॉपर मैनुअल स्विच मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करके टीवी को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीविजन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, यानी कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। देखिए टेलीविजन का जब मैंने प्रोडक्ट पेज खोला फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आई सॉ दिस थिंग कि टेलीविजन पे जो स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर टेलीविजन आपको ऑफर करती है 550 निट्स का ब्राइटनेस, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ब्राइट है। आपको यहाँ पे IPS पैनल मिल जाता है, जो कि अगेन एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। एट द बजट ऑफ 30,000 रुपये, अगर आपको टेलीविजन ब्रांड अगर आपको 55 इंच की IPS पैनल दे रहा है, जो कि डॉल्बी विजन सपोर्ट करता हो विद 550 निट्स ऑफ ओवरऑल ब्राइटनेस, आई विल से इट्स अ ग्रेट डील, एंड यू शुड गो अहेड एंड गेट दैट डील, बिकॉज यहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं टेलीविजन से वो सब मिल जाता है, क्योंकि ये IPS है। आपको इसमें जो कलर्स मिलते हैं वो बहुत ही विविड हैं, बहुत ही पंची हैं, एंड जैसे ही आप इसके अंदर HDR कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो कलर्स आते हैं टीवी के अंदर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन काफ़ी पॉपी है, रेड काफ़ी पॉपी है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो HDR के अंदर यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हैं तो इस एरिया में भी डिटेल्स प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाती हैं। तो रिगार्डिंग द डिस्प्ले क्वालिटी, मुझे इस टेलीविजन से बिल्कुल भी कंप्लेंट्स नहीं है, बल्कि आई विल रियली से कि इस बजट के अंदर आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑफरिंग में से एक है फॉर श्योर। IPS टीवी के अंदर एक छोटी सी दिक्कत हो सकती थी, दैट इज कॉल्ड एज एन IPS ग्लो, लेकिन करेंटली इस टीवी के अंदर कोई भी IPS ग्लो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं करेंटली यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सीन हमारा है वो काफी लिट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ना बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस या कोई भी एक्स्ट्रा यू नो पैच वगैरह नहीं बनता है, तो यहाँ पे IPS ग्लो भी टेलीविजन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। द टीवी इज प्रॉपरली एबल टू मैनेज इट्स बैकलाइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है। अब बात करते हैं टेलीविजन के रियर पैनल के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने आपको प्लास्टिक का पैनल दिया हुआ है, ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास में पावर कॉर्ड दिया हुआ है, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में यहाँ पे सारे के सारे IO पोर्ट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे हमारे पास में है RJ45 का पोर्ट, डिजिटल ऑडियो आउटपुट, 3 HDMI के पोर्ट्स, 2 USB 2.0 के पोर्ट्स, एक एंटीना आउटपुट और एक 3.5mm का RCA कॉम्बो जैक। अब करते हैं टेलीविजन के साउंड को चेकआउट, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया हुआ है कि जैसे ही आप वॉल्यूम को जो है 50% से ऊपर बढ़ाते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जो साउंड की क्वालिटी है ना वो ओवरऑल देखा जाए तो इतनी ज़्यादा होलसम नहीं है। बेसिकली इन अ बिगर पिक्चर, इवन दो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लाइक डॉल्बी एटमॉस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन तब भी 50% के साउंड के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है उसमें जो ओवरऑल साउंड स्टेज है वो काफ़ी
कंस्ट्रेंड ही फील होता है, यानी कि बेस की कमी है यहाँ पे, एंड ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो 50% के ऊपर इतनी अमेजिंग साउंड नहीं करती है। तो जहाँ पे अगर आपको मूवी वगैरह कंज्यूम करनी है टेलीविजन के अंदर, वो डेफिनेटली पॉसिबल तो है, लेकिन आप उसको एकदम ही एक बहुत ही अमेजिंग ओरल एक्सपीरियंस आप उससे नहीं ले पाएंगे। अदरवाइज आपके पास में यहाँ पे डायलॉग एनहांसर मोड दिया हुआ है, तो अगर आपके पास में एक प्रॉपर साउंड सिस्टम वगैरह, यानी कि आपके पास में साउंड बार वगैरह नहीं है, तो ये जो डायलॉग एनहांसर का मोड है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल वोकल्स हैं आपके कैरेक्टर के वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। बट फिर भी इन अ बिगर पिक्चर इसका साउंड ठीक है, पर एकदम ही एब्सोल्युटली अमेजिंग या एकदम ही एब्सोल्युटली स्टनिंग नहीं है। अब बात करते हैं टेलीविजन के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पे आपको 2 GB की रैम मिल जाती है, कॉर्टेक्स A53 के क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, आपके पास में यहाँ पर एंड्रॉयड 11 अवेलेबल है, विच ऑफकोर्स रन्स द गूगल टीवी का लेआउट, एज यू कैन सी ओवर हियर के यहाँ पे गूगल टीवी लिखा हुआ है। तो आपके पास बेसिकली कंटेंट अगर कंज्यूम करना हो तो काफ़ी सही तरीके से जो टीवी है वो आपको कंटेंट को रिकमेंड करती है अक्रॉस ऑल दी एप्लीकेशन। जो भी कंटेंट एकदम रिकमेंडेड होगा, जो ट्रेंडिंग होगा, वो आपके मेन होम स्क्रीन वगैरह पे आ जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग टू हैव इन दिस टेलीविजन, यानी कि आपको जो ओवरऑल कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बिल्कुल भी एप्लीकेशन लैगी नहीं है, इट्स वेरी स्नैपी बाय ऑल मीन्स। अपने हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं गूगल टीवी को, एंड अदरवाइज भी जो एप्लीकेशंस हैं वो इजीली डाउनलोडेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो वांटेड टू शो यू कि इस टीवी के अंदर आपको एक बड़ा अमेजिंग सा फीचर मिल जाता है, विच इज द एडवांस सेटिंग्स के अंदर, जिसको आप बोलते हैं DI फिल्म मोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये MEMC का फीचर है। तो अगर आपको टीवी के अंदर एकदम स्मूथ मोशन चाहिए, या एकदम स्मूथ मोशन ना चाहे, अगर आपको एकदम ही वैसा चाहिए जैसा कि टीवी के क्रिएटर ने आपको इंटेंड किया हो, तो आप अपने हिसाब से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो दैट इज़ दी DI फिल्म मोड, यानी कि बेसिकली MEMC। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो ओवरऑल इसका लेआउट है, जो ओवरऑल इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी स्नैपी एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है बाय ऑल मीन्स, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल इस वीडियो के वर्डिक्ट के बारे में, कि क्या ये 55 OP Max GT9030 टीवी अच्छी है या नहीं है। देखिए, इन अ बिगर पिक्चर अगर आपका बजट फॉल करता है 30,000 रुपये से नीचे, और आपको अपने घर के लिए एक 55 इंच की 4K HDR बढ़िया वाली टीवी चाहिए है, तो डेफिनेटली आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको रीजंस दूं कि आप इस टीवी को क्यों रिकमेंड कर सकते हैं या क्यों कंसिडर कर सकते हैं अपने घर के लिए, तो उसका आंसर होगा, इसमें जो आपको पैनल मिल जाता है वो लेजिट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव पैनल है। इसकी जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस है, जो इसमें ओवरऑल आपको कहीं पर भी बेसिकली अदर टीवीज में क्या होता है ना, कि आपको कहीं ना कहीं पे IPS ग्लो मिल जाता है या बैकलाइट ब्लीडिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पैनल इतना अच्छा है कि आपको ना ही कोई IPS ग्लो मिलता है, ना ही कोई बैकलाइट ब्लीडिंग मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है टीवी के अंदर यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपके कलर्स, वाइब्रेंसी, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इट लुक्स वेरी अमेजिंग फॉर दैट प्राइस पॉइंट ऑफ 28,500 रुपये। There is no denying the fact about that one particular thing. इसके अलावा बात करते हैं टेलीविजन की स्पीकर्स के बारे में, तो वो थोड़े से अंडरवेलमिंग मुझे फील हुए। जहाँ पे हमने इसका 65 इंच का टीवी रिव्यू किया था, वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड साउंड था, थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर साउंड लगता है, विच इज़ द रीजन वाई आपको ऐसा फील होगा कि आपको इस टीवी के साथ में एक साउंड बार पैर अगर आप करेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि जहाँ पे इसकी विजुअल क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, ऑडियो में थोड़ा सा ये पीछे रह जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट टीवी की बिल्ड क्वालिटी फाइन है, कोई भी मुझे अलग से उसमें कंप्लेंट्स नहीं है। रियर में उन्होंने अभी भी प्लास्टिक ही यूज किया है, इज दैट व्हाट दे यूज, एब्सोल्युटली यस, एंड दे हैव बीन यूजिंग दिस प्लास्टिक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट ओवरऑल अगर मुझसे सवाल पूछते हैं कि फ्लोरेंस क्या हम इस टीवी को परचेस कर सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा कि अगर आपके पास में एक अलग से साउंड बार लेने का बजट एग्जिस्ट करता है, या आपके पास पहले से होम थिएटर सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली आप इस टीवी को बिना दिक्कत के, बिना सेकेंड थॉट को सोचे, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, परचेस कर ही सकते हैं, बिकॉज ये आपको सारे अच्छे फीचर्स और सारे के सारे मॉडर्न डे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, फिल्म मोड, MEMC का मोड, डायलॉग एनहांसर, गूगल टीवी एंड एंड्रॉयड 11 एंड ऑल दोज काइंड ऑफ फीचर्स आर जैम पैक्ड इन दिस 55 इंच का टेलीविजन, अगेन एट द प्राइस ऑफ ओनली 28,500 रुपए। सो दैट वॉज इट, दिस वॉज आर रिव्यू ऑफ द थॉमसन 55 OP Max GT9030 टेलीविजन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल 91 मोबाइल्स, एंड वील कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो।